चलो दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कुबरनेटिस का अगला टॉपिक। और आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पॉड के बारे में। ठीक है, आज हम लोग समझेंगे पॉड है क्या। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है दोस्तों ये पॉड। कुबरनेटिस के इंटरव्यू में सबसे पहला क्वेश्चन पॉड से ही स्टार्ट होता है। और अगर आपको पॉड की डेफिनेशन अगर अच्छे से क्लियर नहीं है तो पूरे के पूरे कुबरनेटिस में आप लोग कन्फ्यूजन में रहते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग सबसे पहले पॉड की डेफिनेशंस को क्लियर करें। पॉड को कुबरनेटिस ने क्यों लाया, इसका क्या यूज केस है, इसका क्या बेनिफिट है कुबरनेटिस क्लस्टर में, ये समझेंगे आज हम लोग इस वीडियो में। तो अगर आप इसे पॉड की डेफिनेशंस को समझें तो बहुत ही जल्दी आप समझ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपको बहुत ही शॉर्ट फॉर्मेट में इसे समझा दूं, राइट। बहुत से लोग पॉड की डेफिनेशंस को लेकर कंफ्यूजन में रहते हैं, लेकिन आज आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद आपको पॉड की जो डेफिनेशन वो क्लियर हो जाएगी 100%। तो चलो फिर स्टार्ट करता हूं मैं आपको पॉड की डेफिनेशंस। तो दोस्तों, यहां पर पॉड कुछ भी नहीं है। आप कुबरनेटिस के क्लस्टर के अंदर आप जो एप्लीकेशन चलाते हैं वो एप्लीकेशंस कंटेनर पे ही चल रही होती हैं, लेकिन उस कंटेनर के ऊपर एक लॉजिकल बाउंड्री होती है। जैसे ये कंटेनर है, मान लीजिए क्लस्टर के अंदर एक कंटेनर है, तो आपके कुबरनेटिस क्लस्टर के अंदर ये कंटेनर ऐसे नहीं पड़ा रहेगा। ये कंटेनर एक लॉजिकल बाउंड्री के अंदर होता है, ये लॉजिकल बाउंड्री है। और इस लॉजिकल बाउंड्री को ही हम लोग पॉड कहते हैं। अब सवाल ये आता है कि लॉजिकल बाउंड्री को क्यों लाया गया। जब एप्लीकेशन कंटेनर पे ही चलनी है तो ये लॉजिकल बाउंड्री को क्यों लेके आया गया, सवाल आता है बहुत बड़ा एक। ये सवाल भी मैं अभी आपको क्लियर करूंगा। उससे पहले मैं आपको एक चीज और बता देता हूं कि ये जो लॉजिकल बाउंड्री है, इस लॉजिकल बाउंड्री को हम लोग पॉड कहते हैं। और इस लॉजिकल बाउंड्री के अंदर आप चाहें तो एक सिंगल कंटेनर भी रख सकते हैं और आप चाहें तो मल्टीपल कंटेनर भी रख सकते हैं। अब सिंगल कंटेनर कौन से केस में रखा जाता है और मल्टीपल कंटेनर कौन से केस में रखा जाता है, ये सारी डेफिनेशन भी हम लोग क्लियर करेंगे इस वीडियो में। अभी सिर्फ आप मोटा मोटे इतना समझिए, पॉड यहां पर कुछ भी नहीं है, कंटेनर के ऊपर का एक लॉजिकल बाउंड्री है बस। आप ये भी बोल सकते हो कलेक्शन ऑफ द कंटेनर, क्योंकि इस लॉजिकल बाउंड्री में अगर बहुत सारे कंटेनर हो गए तो आप पॉड को क्या बोलते हैं, कलेक्शन ऑफ द कंटेनर। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि पॉड के आने से कुबरनेटिस क्लस्टर में क्या बेनिफिट्स हैं और अगर ये पॉड नहीं होता तो क्या लॉस होता आपको क्लस्टर में, कुबरनेटिस क्लस्टर में। चलिए फिर हम लोग इसको शुरू करते हैं एज अ प्रैक्टिकल फॉर्मेट में। सॉरी, पहले हम लोग बात करेंगे एज अ डायग्राम, फिर हम प्रैक्टिकल्स में देखेंगे। तो ऐसे समझिए कि ये आपका कुबरनेटिस क्लस्टर सेटअप आपने किया, ये आपने कुबरनेटिस के ऊपर क्लस्टर सेटअप किया, ये आपने क्लस्टर सेटअप किया, ऐसे समझिए। इस क्लस्टर के अंदर आपके पास एक नोड ये है और इस क्लस्टर के अंदर आपके पास एक नोड ये है और एक नोड ये है। ये जो नोड है आपके पास क्लस्टर में, ये समझ लीजिए आपका मास्टर नोड है और ये जो नोड है आपका, ये आपका वर्कर नोड है, वर्कर नोड वन, और ये है आपका वर्कर नोड टू। परफेक्ट। अब ये पूरा का पूरा आपका कुबरनेटिस क्लस्टर है, आपने क्लस्टर बनाया है, ठीक है। चलो अब इस क्लस्टर के अंदर आप अपनी कोई एप्लीकेशन चलाना चाहते हैं और आप अपनी एप्लीकेशन माइक्रो सर्विस पे चलाना चाहते हैं, बोले तो कंटेनर के ऊपर, राइट। तो अगर पॉड का कॉन्सेप्ट नहीं होता तो क्या कर रहे होते आप, अगर पॉड का कॉन्सेप्ट आपके पास नहीं होता तो आप कुबरनेटिस क्लस्टर के अंदर क्या करते हैं, डॉकर कंटेनर रन हाइफन हाइफन नेम, आपने बोला डीबी हाइफन सर्वर, आपने इमेज ले लिया माई सीक्वल,
तो क्या होता है ये कमांड क्या करती, वर्कर वन वर्कर टू। आपने ऐसा समझिए कि आपने वर्कर टू पे एक कंटेनर बना दिया, इस कंटेनर के अंदर माइसिक्वल नाम की इमेज आ जाती और इस पर डेटाबेस चल रहा है और इस कंटेनर को एक आईपी असाइन हो जाता। ये जो मैं बता रहा हूं उस केस में बता रहा हूं, अगर पॉड नहीं होता तो, पॉड का कॉन्सेप्ट, इसको एक आईपी मिल जाती है। क्लियर? अब आप दूसरी कमांड चलाते हैं, डॉकर कंटेनर रन हाइफन हाइफन नेम। इस बार आपने नेम बोला वेब सर्वर और आपने बोला वर्डप्रेस। तो अब आपने ये वाली कमांड, वर्डप्रेस जो आपने डिप्लॉयमेंट कर रहे हो उसका कंटेनर आपने बोला कि वर्कर नोड वन पे चला जा, तो इस वर्कर नोड वन पे एक कंटेनर क्रिएट होता और इस पे क्या होता, वर्डप्रेस इमेज डिप्लॉय हो जाता और इस वर्डप्रेस कंटेनर की आईपी क्या है, मान लीजिए ये आईपी मिल गई। ठीक है, ये चलो अब आपका ये वर्डप्रेस है और ये माइसिक्वल है। अब मैं चाहता हूं कि वर्डप्रेस के साथ इस माइसिक्वल कंटेनर को बाइंड करना चाहता हूं, राइट, इंटीग्रेशन करना चाहता हूं, तब तो ये मेरा पूरा का पूरा वर्डप्रेस रेडी होगा। तो ये वर्डप्रेस कंटेनर पे ये डेटाबेस बाइंड करना चाहता हूं, तो मैं जी क्या करना पड़ता कि इस माइसिक्वल कंटेनर की आईपी लेता और यहां पे बाइंड कर देता। क्लियर? लेकिन यहां पर प्रॉब्लम्स आपके सामने एक आती। प्रॉब्लम्स कब आती? मान लीजिए अगर माइसिक्वल माइसिक्वल कंटेनर जो चल रहा है इसको कुछ हो जाए, तो इसको अगर कुछ हो जाए तो मान लीजिए ये कुछ हो गया, अगर डैमेज हो गया तो क्या ये ऑटोमेटिक रिक्रिएट होगा? अगर हम इस सिनेरियो में रखकर देखें तो नहीं होगा ये रिक्रिएट। हाँ, अगर आप डॉकर सॉम टेक्नोलॉजीज को इंप्लीमेंट कर रहे हो तो हो जाता, लेकिन हमने डॉकर सॉम तो नहीं लिया ना, हम तो कुबरनेटिस यूज कर रहे हैं। तो कुबरनेटिस के केस में अगर पॉड नहीं होता और आप इस तरीके से क्लस्टर पे एक कंटेनर यहां बनाते एक कंटेनर यहां और कल को माइसिक्वल कंटेनर को कुछ हो जाता, तो माइसिक्वल कंटेनर क्या रिक्रिएट होता ऑटोमेटिक? सवाल आता है नहीं, राइट? या फिर मान लीजिए कि आपने ही जाके उसको रिक्रिएट कर दिया, तो आपने जब उसे जाके रिक्रिएट किया तो क्या ये आईपी, अब ये सेम आईपी उस माइसिक्वल कंटेनर को मिलेगी जो नया रिक्रिएट आपने किया? सवाल आता है नहीं, तो डिफरेंट आईपी मिलेगी। इसका मतलब फिर से आपको वर्डप्रेस पे जाके नया माइसिक्वल की आईपी को बाइंड करना पड़ेगा। तो कितना कॉम्प्लेक्सिटी है यहां पर। क्लियर? तो अब पॉड के आने का, पॉड अगर आ गया तो क्या बेनिफिट हुआ? तो देखिए पॉड पॉड के आने का बेनिफिट समझाता हूं, इसको हम लोग स्किप कर देते हैं। तो कुबरनेटिस क्लस्टर के केस में क्या होता है कि हम कुबरनेटिस एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है वो कभी भी कुबरनेटिस क्लस्टर पे आकर एक सिंगल कंटेनर नहीं बनाता, वो कभी भी डॉकर कंटेनर रन कमांड से कंटेनर नहीं बनाता कुबरनेटिस के केस में। तो कुबरनेटिस एडमिनिस्ट्रेटर एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है वो कुबरनेटिस क्लस्टर के केस में क्या कर रहा होता है, वो यहां पर कमांड यूज कर रहा होता है क्यूब सीटीएल। क्या यूज कर रहा था? क्यूब सीटीएल रन। नेम यहां पर दे दिया उसने, जैसे डीबी हाइफन सर्वर हाइफन हाइफन इमेज उसने यहां पे पास कर दिया माइसिक्वल। तो कुबरनेटिस का जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो ये कमांड चलाएगा। तो अब जब ये कमांड चलाएगा तो अब क्या होता है कि सबसे पहले नोड में आकर एक पॉड बनेगा। क्या बनेगा? पॉड। सबसे पहले एक पॉड बनता है, ये एक पॉड बन गया। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं दोस्तों, ये मैं यहां पर आया और एक क्या बन गया, पॉड बन गया ये। ठीक है, ये लिख देता हूं मैं पॉड। ठीक है, अब जैसे ही पॉड बना तो पॉड को एक आईपी असाइन हो जाती है। किसको? पॉड को एक आईपी असाइन हो गई। मान लो ये आईपी असाइन हो गई पॉड को, ये आईपी असाइन हो गई पॉड की आईपी। अब उसके बाद पॉड के अंदर एक कंटेनर बनेगा। पॉड के अंदर एक कंटेनर बनेगा, उस कंटेनर का जो नेम होगा और उस कंटेनर के अंदर जो इमेज डिप्लॉय होगी वो इमेज होगी पॉस नाम की एक इमेज, राइट?
राइट, फॉस नामी एक इमेज डिप्लॉय हो जाएगी इस कंटेनर के अंदर। अब ये पॉस नामी इमेज, ये पॉस नामी कंटेनर जो पॉड के अंदर क्रिएट हुआ है, ये पॉस नामी कंटेनर क्या करता है, इस पॉड की आईपी और पॉड का एक नेम स्पेस, बोले तो एक एक्स वाई जेड नाम का एक नेम स्पेस और आईपी अपने पास स्टोर कर लेता है। देन उसके बाद आपके पॉड के अंदर एक कंटेनर बनेगा और उस कंटेनर पे अब आपकी एक MySQL इमेज डिप्लॉय होगी। राइट, ध्यान से समझ लीजिए, जब भी आप कोई पॉड बनाते हैं तो पॉड के अंदर आपकी इमेज को डिप्लॉय करने के लिए कंटेनर तो बनता ही बनता है, लेकिन एक पॉस नामी कंटेनर अपने आप बनती है। एक कंटेनर बनेगा जिसमें पॉस नामी इमेज डिप्लॉय होगी और ये पॉस नामी कंटेनर क्या कर रहा होता है, इस पॉड की आईपी और एक नेम स्पेस अपने पास स्टोर करके रखता है। और जब ये कंटेनर बना और इसके अंदर जब MySQL इंस्टॉल हो गया, तो अब ये पॉस नामी कंटेनर क्या करता है कि उस MySQL को भी अपने नेम स्पेस में ऐड कर लेता है। क्लियर, ध्यान से समझना मेरी बात को। इसी तरीके से अब ये पॉस नामी कंटेनर क्या करता है कि मान लीजिए इस पॉड के अंदर आप और भी कंटेनर बनाते हैं, जैसे पॉड के अंदर आप नंबर ऑफ कंटेनर बना रहे हैं, तो उन सब नंबर ऑफ कंटेनर को अपने नेम स्पेस में ऐड कर लेगा और इस पॉड के अंदर जितने भी कंटेनर होंगे सब की आईपी एक ही होती है ये पॉड। तो इस पॉड के अंदर अगर 10 कंटेनर है तो 10 कंटेनर की आईपी यही होगी। राइट, किसकी वजह से, पॉस नामी कंटेनर की वजह से, क्योंकि वो 10 के 10 कंटेनर को अपने नेम स्पेस पे ऐड कर लेता है। राइट, तो इंटरव्यू में ये भी पूछा जाता है कि जब हम एक पॉड बनाते हैं तो पॉड के अंदर बाय डिफॉल्ट कितने कंटेनर बनते हैं। तो जब आप पॉड बनाते हैं, जैसे आपने कमांड मारा kubectl run db server -- image =MySQL, तो आपकी पॉड, एक पॉड बनेगा, पॉड के अंदर एक कंटेनर बनाएगा, उसके अंदर ये MySQL के लिए पॉड बनाएगा, पॉड के अंदर एक कंटेनर बनाएगा जिसके अंदर ये MySQL इमेज डालेगा वो। राइट, लेकिन अपने से एक पॉस नामी कंटेनर भी बनाता है। इसका मतलब बाय डिफॉल्ट पॉड के अंदर दो कंटेनर बनेंगे, एक तो आपके लिए और एक बाय डिफॉल्ट पॉस के लिए। उसके बाद आप फर्दर जितने बताना बता दीजिए। ठीक है, अब इसका बेनिफिट देखिए क्या हुआ। तो MySQL जो कंटेनर है, इस कंटेनर को कोई भी आईपी असाइन नहीं होती है, आईपी पॉड को असाइन हुई। किसको आईपी असाइन हुई, पॉड को। ये देखिए, इसी तरीके से अब बेनिफिट क्या है, देखिए बेनिफिट ये है कि कल को ये पॉड के अंदर जो MySQL कंटेनर है, ये कंटेनर को कल को कुछ भी हो जाए तो कंटेनर ऑटोमेटिक रिक्रिएट हो जाएगा, ऑटोमेटिक। किसकी वजह से, क्योंकि वो पॉड के अंदर है। राइट, अगर वो पॉड के अंदर नहीं होता तो वो रिक्रिएट नहीं होता। ठीक है, और एक चीज बताता हूं। इसी तरीके से मान लीजिए आपने एक और डिफरेंट कमांड मारी, यहां पर आपने कमांड चलाया kubectl run, इस बार आपने बोला web-server -image = wordpress। ठीक है, तो अब क्या हुआ, इस वाले वर्कर नोड में अब एक पॉड क्रिएट हुआ। ठीक है, यहां पर एक पॉड आप क्रिएट हुआ, ये लो, ये एक पॉड क्रिएट हो गया आपका। इस पॉड को भी एक आईपी असाइन हो गई, ये लो 1.3, और इस पॉड के अंदर भी एक पॉस, एक कंटेनर बना जिसके अंदर पॉस नामी इमेज आ गया। ठीक है, ये पॉस तो बनना ही बनना है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद ये भी एक नेम स्पेस क्रिएट किया, मान लीजिए YZX, और फिर इसके अंदर एक कंटेनर बना और उस कंटेनर के अंदर आपका वर्डप्रेस डिप्लॉय हो गया। क्या डिप्लॉय हो गया, वर्डप्रेस। मैं यहां पे लिख देता हूं, मेरे पास स्पेस कम है, थोड़ा नीचे लिख देता हूं,
ये लीजिए। तो अब वर्डप्रेस इस पे चल रहा है राइट, इस पे इस कंटेनर पे वर्डप्रेस चल रहा है, लेकिन इस कंटेनर की के पास कोई आईपी नहीं है, ये कंटेनर इस पॉड की आईपी को इस्तेमाल करता है। ठीक है, अब देखिए मेन बेनिफिट क्या होता है पॉड का। अब देखिए आपका ये कंटेनर है जिसपे MySQL चल रहा है, इस कंटेनर पे आपका वर्डप्रेस चल रहा है। ठीक है, तो अब इस वर्डप्रेस के साथ अगर MySQL को बाइंड करना है तो आप बाइंड कैसे करेंगे? इस MySQL कंटेनर की तो कोई आईपी है नहीं, अभी वर्डप्रेस की भी कोई आईपी नहीं है, तो ये लोग बाइंडिंग होंगे पॉड की आईपी के साथ। तो अगर हम इस वर्डप्रेस पे MySQL को बाइंड करेंगे तो पॉड की आईपी से बाइंडिंग की जाएगी। तो पॉड की आईपी से बाइंडिंग करने का क्या बेनिफिट है? देखिए पॉड की आईपी का से बाइंडिंग करने का बेनिफिट ये है कि कल को मान लीजिए MySQL कंटेनर को कुछ होता है तो रिक्रिएट होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बाइंडिंग तो इससे है। लेकिन अगर आप सिर्फ कंटेनर के केस में देखें तो मान लीजिए आपका कंटेनर को कुछ होता था, आप उसे रिक्रिएट करते थे, नई आईपी आती थी तो आपको दोबारा बाइंडिंग करनी पड़ती थी, बट यहां पर ऐसा कुछ नहीं करना पड़ेगा। ये बेनिफिट है दोस्तों पॉड का, क्योंकि अगर आपका कंटेनर पॉड के अंदर है तो फिर पॉड की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि उसे 24/7 लाइव रखना, उसकी रिडंडेंसी बना के रखना, पॉड की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है फिर। इसीलिए यहां पर पॉड का कॉन्सेप्ट लाया गया है। अब इसी तरीके से एक चीज मैं आपको और क्लियर करता हूं, उम्मीद करता हूं कि ये जो एग्जांपल्स मैंने अभी दिए हैं ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब थोड़ा सा और समझाता हूं। अब कई लोगों के दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि ठीक है पॉड के अंदर अगर एक कंटेनर है तो कंटेनर की रिडंडेंसी मिल रही है, कंटेनर को कुछ होता है तो वापस से रिक्रिएट हो जाता है, बहुत बढ़िया बात। लेकिन अगर पॉड को कुछ हो गया तो क्या होगा? तब तो गया। अगर पॉड को कुछ हो गया तो फिर आपका गया सब कुछ, बिल्कुल गया। तो अगर आप पॉड की रिडंडेंसी चाहते हैं तो फिर उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है कि पॉड के ऊपर आपको एक डिप्लॉयमेंट बनाना पड़ता है। क्या बनाना पड़ता है? डिप्लॉयमेंट। अगर आप पॉड की रिडंडेंसी चाहते हैं तो कंटेनर की रिडंडेंसी तो मिल गई पॉड की, पॉड ने दे दी, लेकिन पॉड अगर डिलीट हो गया तो वो कैसे रिक्रिएट होगा? तो वो अगर आप चाहते हैं तो आप लोग पॉड के ऊपर एक डिप्लॉयमेंट बनाइए। ये लीजिए डिप्लॉयमेंट, ठीक है। तो ये डिप्लॉयमेंट बन गया, ये डिप्लॉयमेंट बन गया। तो अब जब डिप्लॉयमेंट बन गया तो अब डिप्लॉयमेंट क्या करेगा? डिप्लॉयमेंट अपने अंदर की पॉड की रिडंडेंसी बनाकर रखता है। तो डिप्लॉयमेंट के अंदर का अगर पॉड को कुछ होता है तो दोबारा से वो रिक्रिएट हो जाएगा, अगेन रिक्रिएट हो जाएगा, ये पॉड अपने आप रिक्रिएट हो जाएगा। तो अब यहां पर एक और सवाल उठ के आ जाता है कि मान लीजिए ये पॉड अभी जो चल रहा है उसकी आईपी ये है 10.10.1.3 और ये जो पॉड चल रहा है इसकी आईपी है 10.10.1.2। अब ये वर्डप्रेस का पॉड हो गया, ये MySQL का पॉड हो गया, इन दोनों की बाइंडिंग इन दोनों आईपी से की गई है। अब हमने ये बात बोली कि अगर इस पॉड को कुछ हो जाए तो वापस से रिक्रिएट हो जाएगा, किसकी वजह से? डिप्लॉयमेंट की वजह से। तो कल को अगर ये MySQL वाला पॉड को कुछ होता है तो ये पॉड हट जाएगा, इसकी जगह नया पॉड रिक्रिएट होगा, लेकिन जो नया पॉड रिक्रिएट होगा उसकी आईपी ये नहीं होगी। ये पॉड डिलीट हो जाए उसकी आईपी ये नहीं होगी। तो अब आप लोगों के सामने एक और प्रॉब्लम स्टेटमेंट आ चुकी है कि अगर ठीक है डिप्लॉयमेंट पॉड की मॉनिटरिंग कर रहा है, लेकिन अगर पॉड को कुछ हुआ तो पॉड हटा और नया पॉड आया, रिक्रिएट हुआ, डेटा वगैरह सब कुछ रहेगा लेकिन आईपी चेंज हो गई, तो क्या इसका मतलब दोबारा वर्डप्रेस पॉड के साथ दोबारा बाइंडिंग करनी पड़ेगी? नई आईपी आएगी तो बिल्कुल करनी पड़ेगी, तो फिर से कॉम्प्लिसिटी आ गया, ऑटोमेशन तो रहा नहीं फिर। तो अगर आप चाहते हैं कि ये पॉड अगर कुछ हो और रिक्रिएट हो तो हमें दोबारा बाइंडिंग ना करनी पड़े, तो इसका सोल्यूशन भी Kubernetes ने दिया है, वो भी ऑटोमेशन के तौर पे। उसका सोल्यूशन ये है कि आप अपने डिप्लॉयमेंट के ऊपर एक सर्विस बनाएं।
तो आप अपने डिप्लॉयमेंट के ऊपर क्या करें, एक सर्विस बनाएं, ये सर्विस बनाएं। और जब आप डिप्लॉयमेंट की सर्विस बनाते हैं तो सर्विस के तीन टाइप होते हैं, वो मैं यहां पे लिख देता हूं। हालांकि सर्विस का अलग टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी मैं ये चीजें बता रहा हूं जिससे आपको एक पिक्चर सेट हो जाए कुबरनेटिस क्लस्टर का। तो सर्विस के तीन टाइप होते हैं, एक होता है क्लस्टर आईपी, एक सेकंड होता है आपका नोड पोर्ट, और थर्ड होता है आपका लोड बैलेंसर। राइट, तो हमने क्या किया, डिप्लॉयमेंट के ऊपर एक सर्विस बनाया, डिप्लॉयमेंट के ऊपर हमने क्या किया, एक सर्विस बनाया। तो जैसे ही हमने उस डिप्लॉयमेंट की एक सर्विस बनाते हैं, और सर्विस का टाइप अगर हम क्लस्टर आईपी यूज करते हैं, तो क्या होगा, इस सर्विस को एक आईपी असाइन हो जाएगी। मान लो इस सर्विस को एक आईपी असाइन हो गई है, और आईपी कौन सी असाइन होती है, हम अपने क्लस्टर के अंदर क्लस्टर आईपी की रेंज डिफाइन करते हैं, उन्हीं में से एक आईपी मिल जाती है। राइट, ये सारी चीजें प्रैक्टिकल करेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा, अभी एज अ ऑब्जेक्टिव थ्योरी के फॉर्मेट में समझिए आप लोग बस। तो इसकी भी हमने एक सर्विस बनाई, तो इसकी भी एक सर्विस आईपी असाइन हो जाती है। ये लीजिए, तो अब क्या हुआ, इस डिप्लॉयमेंट की एक सर्विस ये बन गई, इस डिप्लॉयमेंट की एक सर्विस ये बन गई। तो अब क्या होगा कि ये वाला पॉड अगर इस वाले पॉड से बात करना चाहता है, तो ये पॉड अपनी अपनी आईपी से बात नहीं करेंगे। ये वर्डप्रेस पॉड, ये डेटाबेस पॉड, जब वर्डप्रेस पॉड के साथ डेटाबेस पॉड को बाइंड करना होगा, तो ये डेटाबेस पॉड की आईपी को बाइंड नहीं करेंगे, क्योंकि कल को ये डेटाबेस पॉड को कुछ होता है तो दोबारा नया पॉड अगर रिक्रिएट होके आता है तो उसकी आईपी तो चेंज होगी। राइट, तो हम लोग क्या करते हैं, सर्विस आईपी से एक दूसरे से बात करते हैं। तो अगर मुझे इस वर्डप्रेस पॉड को, वर्डप्रेस पॉड में इस डेटाबेस पॉड को बाइंड करना है, तो मैं ये डेटाबेस पॉड की आईपी नहीं यूज करूंगा, मैं डेटाबेस पॉड के ऊपर जो डिप्लॉयमेंट है, डिप्लॉयमेंट के ऊपर जो सर्विस है, इस सर्विस आईपी को यूज करूंगा बाइंडिंग करने के लिए। तो अगर ये सर्विस आईपी मैं यूज करता हूं यहां पर बाइंडिंग करने के लिए, अगर मैं सर्विस आईपी को यूज करता हूं यहां पर बाइंडिंग करने के लिए, तो इससे बेनिफिट क्या होता है, इससे बेनिफिट ये है कि कल को अगर ये पॉड डिलीट हो जाता है और नया पॉड आता है, तो नया पॉड की अगर नई आईपी आती है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये सर्विस आईपी उसको अपने आप ऐड कर लेगा, उसका एंड पॉइंट अपने आप बना लेगा, क्योंकि ये सर्विस आईपी अभी इसके साथ, इस आईपी के साथ एंड पॉइंट बना के रखा है। ठीक है ना, तो अगर ये पॉड डिलीट हुआ और नया पॉड बना, तो ये सर्विस आईपी अब उस नए पॉड की आईपी के साथ बाइंडिंग हो जाएगा, और मेरा वर्डप्रेस इस सर्विस आईपी से मैप्ड है। तो यहां पर ट्रैफिक का फ्लो फिर क्या बन जाता है, अगर इस वर्डप्रेस को इस डेटाबेस पॉड के पास जाना है, तो ट्रैफिक का फ्लो ऐसे हो जाता है, यहां ट्रैफिक आती है, इस सर्विस आईपी पे जाएगी, और ये सर्विस आईपी इस पॉड आईपी के साथ मैप्ड रहता है, इस तरीके से। तो हम लोग फिर यहां पर क्या करते हैं, सर्विस यूज कर रहे होते हैं, तो सारा का सारा कुछ ऑटोमेशन हो गया। यहां पर देखें आप, एक्चुअल में आपका जो एप्लीकेशन है वो तो चल रहा है कंटेनर पे ही, लेकिन वो कंटेनर के ऊपर एक लॉजिकल बाउंड्री है पॉड, जो पॉड उस कंटेनर की रिडंडेंसी को मैनेज कर रहा है। कल को कंटेनर को कुछ होता है तो वापस से रिक्रिएट हो जाता है, क्योंकि पॉड के अंदर है। पॉड को कुछ होता है तो पॉड वापस से रिक्रिएट हो जाता है, क्योंकि पॉड के ऊपर एक डिप्लॉयमेंट है, वो पॉड को मैनेज कर रहा है। और कम्युनिकेशन चैनल के लिए सर्विस हो गई, क्योंकि पॉड अगर रिक्रिएट होता है तो नई आईपी आती है, तो बाइंडिंग ना करना पड़े, तो कम्युनिकेशन चैनल के लिए सर्विस हो गई। तो उम्मीद करता हूं ये टर्म्स आपको समझ में आया होगा। लेकिन जब आप इस सर्विस को बनाएंगे तो यहां पर आपको क्लस्टर आईपी रखना पड़ेगा। अब यहां पर देखिए दो टर्म्स और आ गया, नोड पोर्ट और लोड बैलेंसर, इनको कहां यूज करते हैं, ये तो समझ आ गया। हालांकि ये क्लस्टर आईपी, लोड बैलेंसर, क्लस्टर आईपी, नोड पोर्ट, लोड बैलेंसर, इन सबका टॉपिक हम अलग अलग डिस्कस करेंगे। क्लस्टर आईपी पे अलग वीडियो बनेंगे, नोट पोर्ट पे अलग वीडियो बनेंगे, लोड बैलेंसर पे अलग वीडियो बनेंगे विद द प्रैक्टिकल। तो वहां पर भी हम इसको एक
डीप एंड डाई एक्सप्लेन करेंगे जाकर, लेकिन अभी सिर्फ मैं आपको ये एक पिक्चर समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको कुबेरनेटिस क्लस्टर का पिक्चर माइंड में सेट हो जाए। तो उम्मीद करता हूँ ये सर्विस आपको समझ में आ गई होगी। ये सर्विस का जो टाइप है, हमने यहाँ पर क्लस्टर आईपी अभी यूज किया है। अब नोड पोर्ट कब यूज करेंगे और लोड बैलेंसर कब यूज करेंगे, ये भी मैं अभी आपको दो दो मिनट कर समझा देता हूँ। तो इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर स्पेस लेता हूँ। देखिए, अब जैसे ये वर्कर नोड है, तो इस वर्कर नोड की भी एक आईपी होगी, आपने दिया होगा ना, मान लीजिए आईपी है 192। इसकी भी एक आईपी है, मान लीजिए ये। अब सवाल ये आता है कि इस पॉड के अंदर, ये कंटेनर है, इसके अंदर वर्डप्रेस चल रहा है, ठीक है ना। अब वर्डप्रेस चल रहा है, अब इस वर्डप्रेस को अगर मैं क्लस्टर के किसी भी नोड से एक्सेस करना चाहूं, तो बिल्कुल मैं सर्विस आईपी को, सर्विस की इस आईपी को हिट करके एक्सेस कर सकता हूं डेफिनेटली। अगर मैं मास्टर नोड में बैठकर इस वर्डप्रेस को एक्सेस करना चाहूं, तो मैं यहां से बैठकर इस सर्विस आईपी को हिट करूंगा, तो मुझे रिस्पॉन्स दे देगा, बराबर है ना। लेकिन अब सवाल आता है कि मैं तो बाहर बैठा हुआ हूं, मैं तो इंटरनेट में बैठा हुआ हूं, ये इंटरनेट है, मान लीजिए ये इंटरनेट है, ठीक है, और ये मैं बैठा हुआ हूं, ये मेरा सिस्टम बैठा हुआ है, क्लियर। और भाई साहब, मैं चाहता हूं कि यार इस क्लस्टर के अंदर जो वर्डप्रेस चल रहा है, इसको मैं एक्सेस करना चाहता हूं, तो कैसे करूंगा? क्या मैं अपने सिस्टम से बैठकर इस सर्विस आईपी को हिट करूंगा तो मुझे रिस्पांस करेगा? नहीं, क्योंकि ये जो सर्विस आईपी है, ये इंटरनल है, क्लस्टर का इंटरनल आईपी है, वर्चुअल आईपी है, ये रिस्पांस नहीं करेगा। ये सर्विस की जो आईपी है, ये इंटरनल क्लस्टर के किसी भी नोड से बैठकर कम्युनिकेशन करने के लिए, बाहर से नहीं आ सकते आप। तो अगर मैं बाहर से बैठकर इस पॉड तक जाना चाहता हूं, इस पे जो एप्लीकेशन चल रही है, तो आपको क्या करना पड़ता है, इस डिप्लॉयमेंट कि जो आपने सर्विस बनाई है, इस लेकिन सर्विस का टाइप क्लस्टर आईपी यूज किया है आपने, तो अगर आप बाहर से बैठकर किसी को इस पॉड पे चलने वाली एप्लीकेशन पे एक्सेस देना चाहते हैं, तो इस डिप्लॉयमेंट का सर्विस बनाइए, लेकिन सर्विस का टाइप नोड पोर्ट रखिए। तो अगर आपने सर्विस बनाया और सर्विस का टाइप नोड पोर्ट रखा, तो अब क्या होता है, अब क्या होगा कि ये नोड की जो आईपी है, तो इस नोड की आईपी के साथ एक पोर्ट एक्सपोज हो जाता है, राइट। और ये क्लस्टर की जो आईपी, ये आपके नोड की जो आईपी है, और ये पोर्ट इस डिप्लॉयमेंट के साथ बाइंड हो जाएगा, क्लियर। इसके साथ ऐसे डिप्लॉयमेंट के साथ बाइंड हो जाएगा। सेम चीज यहां पर भी होगी, ये लीजिए, सेम पोर्ट बाइंड हो जाएगा यहां पर इसके साथ, राइट। हालांकि ये एक अलग डिप्लॉयमेंट है, ये एक अलग डिप्लॉयमेंट है, तो अगर मैं इस डिप्लॉयमेंट की सर्विस बना रहा हूं और सर्विस का टाइप नोड पोर्ट रखा हूं, तो इसी डिप्लॉयमेंट के लिए होगा, इसके लिए नहीं होगा, ये बात ध्यान रखना, वो मैं समझाने के लिए आपको साइड में बता दिया था। तो अब क्या होगा कि अगर मैं डिप्लॉयमेंट की सर्विस बनाता हूं, सर्विस का टाइप नोड पोर्ट रखता हूं, तो ये डिप्लॉयमेंट जिस भी नोड में होगा, उस नोड की आईपी के साथ एक पोर्ट मैप्ड हो जाएगा इस डिप्लॉयमेंट के साथ। तो फिर मैं बाहर से बैठकर इस नोड की आईपी को हिट मारूंगा इस पोर्ट पे, तो अब ये बैकएंड में मुझे इस पोर्ट तक लेके चली जाएगी, राइट। अब एक चीज और, एक इंफॉर्मेटिव आपको बता देता हूं, जब आप डिप्लॉयमेंट का सर्विस बनाते हैं और सर्विस का टाइप अगर आपने क्लस्टर आईपी रखा, तो फिर ये इंटरनल वाली आईपी मिल जाती है। लेकिन अगर आपने डिप्लॉयमेंट का एक सर्विस बनाते हो, सर्विस का टाइप अगर आप नोड पोर्ट रखते हैं ना, तो नोड पोर्ट में क्या होता है कि नोड के साथ एक पोर्ट मैपिंग, पोर्ट असाइन तो हो जाता है, लेकिन साथ में एक क्लस्टर आईपी भी मिल जाती है, साथ में क्लस्टर आईपी भी आपको मिलेगी, दो दो चीज हो जाएगी फिर। अगर आप नोड पोर्ट करते हैं तो क्लस्टर आईपी भी मिलेगी उस डिप्लॉयमेंट को, और एक नोड पोर्ट भी मिलेगा। ऐसा क्यों होता है मैं आपको समझाता हूं।
क्लस्टर आईपी इसीलिए मिलती है क्योंकि अगर मान लीजिए क्लस्टर आईपी नहीं मिले ये वाली आईपी, तो आपका ये नोड की आईपी और ये पोर्ट डायरेक्टली क्या होगा, आपके डिप्लॉयमेंट के साथ मैप्ड हो गया, ठीक है ना। डिप्लॉयमेंट के साथ डायरेक्टली क्या हो गया, मैप्ड हो गया। तो अगर मैं बाहर से बैठ के इसको हिट करता हूं तो ये क्या करेगा मुझे इस डिप्लॉयमेंट के साइड, और ये डिप्लॉयमेंट स्पॉट पे मुझे लेके चला जाएगा, क्लियर। लेकिन कुबेरनेटिस के अंदर एक और फीचर्स अवेलेबल है, वो फीचर्स क्या है कि हम ऐसा भी बता सकते हैं कि ये जो पॉड है इस पॉड के नंबर ऑफ रेप्लिकेशन आ जाए। मतलब हम ऐसा बता सकते हैं यहां पर ऑटो स्केलिंग डिफाइन करके कि अगर इस पॉड पे लोड बढ़े तो इसकी नंबर ऑफ कॉपी आ जाए, पॉड की नंबर ऑफ कॉपी। तो मान लीजिए अगर पॉड की नंबर ऑफ कॉपी आ गई, मान लीजिए यहां पर पॉड को पॉड की नंबर ऑफ कॉपी आ गई, ये तीन कॉपी आ गई, एक ये हो गया, दो ये हो गया, तीन हो गया। तो बाहर से अगर बंदा इस नोड की आईपी को और इस पोर्ट को हिट करता है तो ये डिप्लॉयमेंट के पास जाता है। अब डिप्लॉयमेंट इस वाले पोर्ट को भेजेगा या इस वाले को भेजेगा, किस वाले को भेजेगा, कंफ्यूज हो जाएगा। तो इसीलिए जब भी आप किसी डिप्लॉयमेंट की सर्विस बनाते हो, सर्विस का टाइप अगर आप नोड पोर्ट रखते हैं तो साथ में क्लस्टर आईपी भी असाइन होती है। तो इसमें क्या होता है, क्लस्टर आईपी अगर असाइन हुई तो मैं बाहर से बैठकर इसको हिट करूंगा, इस नोड की आईपी के इस पोर्ट को हिट मारूंगा, तो डायरेक्ट ये डिप्लॉयमेंट तक नहीं जाएगा, ये क्या करेगा, इस सर्विस पे जाएगा, एक क्लस्टर आईपी पे जाएगा, इस क्लस्टर आईपी पे जाएगा। मैं लिख देता हूं यहां पर, ये क्लस्टर आईपी है, राइट। और ये क्लस्टर आईपी क्या होगा, इस वाले पॉड, ये क्लस्टर आईपी जो है, ये क्लस्टर आईपी इस वाले पॉड की आईपी के साथ मैप्ड होगा। और कल को अगर हमने ऑटो स्केलिंग डिफाइन कर रखी है कि लोड के बढ़ने से पॉड की ऑटो स्केलिंग हो जाए, नंबर ऑफ पॉड आ जाए, तो अगर नंबर ऑफ पॉड आते भी हैं तो नंबर ऑफ पॉड की, हर पॉड की अपनी अपनी आईपी होगी, तो ये क्लस्टर आईपी क्या करेगा, इस पॉड की आईपी को भी अपने साथ ऐड कर लेगा और इस पॉड की आईपी को भी अपने साथ ऐड कर लेगा। तो मैं बाहर से बंदा हिट मारेगा इसको, ये जाएगा क्लस्टर आईपी पे, क्लस्टर आईपी देखेगा अच्छा मेरे अगेंस्ट तीन पॉड है, तो एक रिक्वेस्ट एक पॉड को देगा, दूसरी रिक्वेस्ट दूसरे पॉड को देगा, तीसरी रिक्वेस्ट तीसरे पॉड को देगा, और उस पॉड के अंदर कंटेनर होंगे, उस कंटेनर में आपका वर्डप्रेस चल रहा होगा। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको बताया। हालांकि ये चीजें हम लोग जब नोटबुक का डेडिकेट लैब करेंगे तो वहां पर भी कवर करेंगे, लेकिन ये मैं मोटा मोटी आपको समझा के चल रहा हूं जिससे आपको कुबेरनेटिस क्लस्टर का पिक्चर माइंड में सेट हो जाए। चलो, उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। लेकिन एक चीज और मैं आपको यहां पे डिफाइन करता हूं। अब जब भी कोई बंदा बाहर से एक्सेस करेगा स्पॉट पे चलने वाली एप्लीकेशन को, तो उसे ना ये पोर्ट लगाना पड़ेगा। देखिए ये पोर्ट उसे बार बार लगाना पड़ेगा, ये पोर्ट हटा नहीं सकता बंदा। अगर मान लीजिए आप अगर ये पोर्ट को हटाना चाहते हैं तो इसके दो कॉन्सेप्ट है। पहला कॉन्सेप्ट ये कि आप लोग क्या करें, अपना एक लोड बैलेंसर लगा लें। आप सबको पता है F5 का लोड बैलेंसर आता है मार्केट में, आप लोग यहां पर एक लोड बैलेंसर लगा लें, ठीक है। तो जब आप लोग लोड बैलेंसर लगाएंगे तो लोड बैलेंसर की एक आईपी आ जाएगी। मान लीजिए आपने लोड बैलेंसर लगाया, उसकी आईपी ये आ गई, ये लीजिए, ठीक है। और आपको क्या करना है कि लोड बैलेंसर के एंड पॉइंट में ये आईपी और ये पोर्ट ऐड कर लीजिए, और कस्टमर को बोलिए कि भाई तू इस लोड बैलेंसर की आईपी को हिट मार, ये क्या करेगा, इधर ट्रैफिक फॉरवर्ड कर देगा इस नोड की आईपी के इस पोर्ट पे और ट्रैफिक चली जाएगी। लेकिन यहाँ पर जो लोड बैलेंसर होगा ये आपका अपना लोड बैलेंसर है, यहाँ पर कुबेरनेटिस का अपना कोई लोड बैलेंसर नहीं है इस केस में। लेकिन पहले कुबेरनेटिस आपको अपना खुद का लोड बैलेंसर की सर्विस नहीं देता था, तो आपको इस तरीके से काम करना पड़ता था, क्योंकि भाई आपके कस्टमर पोर्ट थोड़ी लगा कर आएंगे। एक चीज और बता देता हूं, फिर आप लोग क्या करते हैं कि ये लोड बैलेंसर की आईपी को आप अपने डीएनएस में पॉइंट कर लेते, तो आपका कस्टमर बाहर नेम को हिट करता है और नेम रिजॉल्व करेगा इस लोड बैलेंसर की आईपी के साइड, और ये इसके साइड बाइंड है, इधर आ जाएगी। लेकिन अभी अभी कुछ 6-7 महीना पहले कुबेरनेटिस वालों ने अपना खुद का भी लोड बैलेंसर प्रोवाइड कर दिया है, तो खुद का भी एक लोड बैलेंसर इन्होंने प्रोवाइड किया है। तो उसके लिए उन्होंने
डिप्लॉयमेंट की जब आप सर्विस बनाते हैं तो उसका टाइप उन्होंने बोला है लोड बैलेंसर रखिए। तो अगर आप डिप्लॉयमेंट बनाते हैं, सॉरी अगर आप डिप्लॉयमेंट का सर्विस बनाते हैं और सर्विस का टाइप अगर आप लोड बैलेंसर रखते हैं, राइट, और अगर आपने क्लस्टर के अंदर कोई इंटरनल लोड बैलेंसर चला रखा है जो मेटल एलबी इन्होंने अभी तक प्रोवाइड किया है, अगर वो आपने सेटअप कर रखा है तो क्या होगा, आपके क्लस्टर के अंदर ही जब आप क्लस्टर के अंदर एक लोड बैलेंसर आप सेट करते हैं तो उसके अंदर एक पब्लिक आईपी की रेंज आप देते हैं, तो क्या होगा कि एक लोड बैलेंसर क्रिएट हो जाएगा क्लस्टर के अंदर, राइट, क्लस्टर के अंदर एक आपका लोड बैलेंसर क्रिएट हो जाएगा और उस लोड बैलेंसर को एक आईपी मिल जाएगी जो भी आपने रेंज दी है। मान लीजिए ये मिल गई, कब हुआ ऐसा, जब आपने डिप्लॉयमेंट की सर्विस बनाई और सर्विस का टाइप लोड बैलेंसर रखा और ये लोड बैलेंसर आपका क्लस्टर के अंदर ही होगा, ये वो बाहर वाला लोड बैलेंसर नहीं है। तो ऐसा तब होता है जब आपने डिप्लॉयमेंट की सर्विस बनाई और सर्विस का टाइप लोड बैलेंसर रखा। तो एक चीज और बता देता हूं, अगर आपने अपने डिप्लॉयमेंट की सर्विस बनाई और सर्विस का टाइप अगर आप लोड बैलेंसर रखते हो तो फिर तीनों चीजें क्रिएट हो जाती हैं, नोड पोर्ट भी क्रिएट हो जाता है, क्लस्टर आईपी भी क्रिएट हो जाता है और लोड बैलेंसर भी क्रिएट हो जाता है, तीनों चीज क्रिएट हो जाती है। क्योंकि बाहर से बंदा इसको हिट करेगा, ये नोड की इस आईपी को, इस पोर्ट को हिट करेगा और ये इस सर्विस को देगा और सर्विस लेके जाएगा पोर्ट तक, और ये लोड बैलेंसर जो है आपके क्लस्टर के अंदर इंटरनल है जो खुद एक पोर्ट में चल रहा है, राइट। ये किस सिनेरियो में होता है, जब आप ऑन प्रेमिसेस सेटअप लगा रहे हैं, ऑन प्रेमिसेस बेयर मेटल में आप कर रहे हैं, राइट। लेकिन अगर आप कुबरनेटिस का प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस का इस्तेमाल करते हैं, मान लीजिए जैसे एजोर क्लाउड, गूगल क्लाउड, AWS क्लाउड, तो वहां पर अगर आपने अपने डिप्लॉयमेंट को की सर्विस बनाई और सर्विस का टाइप अगर आप लोड बैलेंसर रखते हैं तो फिर उस केस में ये लोड बैलेंसर आपके क्लस्टर के अंदर किसी पॉड में क्रिएट नहीं होता, वो क्लाउड प्रोवाइडर का लोड बैलेंसर प्रोविजन हो जाता है, जैसे AWS का लोड बैलेंसर प्रोविजन हो जाएगा और उस लोड बैलेंसर में आपके इस नोड का ही आईपी बाइंड हो जाएगा, एजोर का लोड बैलेंसर प्रोविजन हो जाएगा, गूगल क्लाउड का लोड बैलेंसर प्रोविजन हो जाएगा, राइट। तो ये बेनिफिट है, ये सर्विस का बेनिफिट है जो मैंने अभी आपको बताया, क्लस्टर आईपी, नोड पोर्ट और लोड बैलेंसर। हालांकि जिन्हें भी इस सर्विस में जो क्लस्टर आईपी, नोड पोर्ट और लोड बैलेंसर में अगर कुछ डाउट होगा तो कोई परेशानी की बात नहीं है, आगे जब हम इसकी डेडिकेट टॉपिक के वीडियो बनाएंगे तो वहां पर कवर कर देंगे। अभी सिर्फ मैं पॉड की डेफिनेशन को समझाने के लिए इन टर्म्स को यूज किया बस। तो उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत हद तक समझ में आ गया होगा, क्लियर। इसी तरीके से थोड़ा सा और समझते हैं पॉड, राइट। तो ये चीज तो आप लोग समझ गए पॉड का एक ट्रैफिक का फ्लो और क्या बेनिफिट है। अब अगली चीज बताता हूं मैं आपको, पॉड के अंदर हम लोग मल्टीपल कंटेनर भी रखते हैं। किस केस में रखते हैं मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लीजिए ये मैंने एक पॉड बनाया, एक पॉड मैंने ये बनाया, इस पॉड में मैंने जो कंटेनर रखा उस पर वेब रख लिया और इस पॉड पे मैंने अगर कोई कंटेनर रखा तो मैंने डेटाबेस रख लिया, ठीक है, मैंने मैप कर दिया, बहुत बढ़िया। अब देखिए हुआ क्या, आपके इंटायर दी क्लस्टर पे एक पॉड ईआईपी रिजर्व कर लिया और एक पॉड ईआईपी रिजर्व कर लिया, राइट। मैं कहता हूं जब आपको पॉड में ये फैसिलिटी मिलती है कि एक पॉड के अंदर नंबर ऑफ कंटेनर आप रख सकते हैं, एक पॉड के अंदर आप नंबर ऑफ कंटेनर रख सकते हैं, तो फिर आप अलग अलग क्यों कर रहे हैं। अलग अलग करने से क्या होता है, एक आईपी इसको रिजर्व हो गई, एक आईपी इसको रिजर्व हो गई। दूसरा एक और प्रॉब्लम स्टेटमेंट बता देता हूं, मान लीजिए ये वाला पॉड इस नोड में चला गया, ये वाला पॉड इस नोड में चला गया, ये वेब पॉड हो गया, ये डेटाबेस पॉड हो गया। अब बाहर से कोई बंदा आता है तो वर्डप्रेस पे आता है, वर्डप्रेस पॉड यहां पे रखा हुआ है, डेटाबेस पॉड यहां पे रखा हुआ है, अब डेटाबेस पॉड के साथ पे कनेक्शन बनाता है तो देखिए लेटेंसी का फर्क पड़ेगा यहां पर, क्योंकि ये अलग नोड है, ये अलग नोड है, थोड़ा बहुत तो पड़ेगा ही यहां पर लेटेंसी का फर्क, ये इंटरफेस से निकल के यहां पर इस इंटरफेस में ट्रैफिक जाएगी। तो कहा गया जब आपको पॉड में मल्टी कंटेनर
की फंक्शनैलिटी मिलती है, तो क्यों ना आप इस तरीके से काम करें, एक ही पॉड आप बना लीजिए, एक ही पॉड आप बनाइए, उस पॉड के अंदर आप एक कंटेनर बनाइए जिसमें आप अपना वर्डप्रेस रखिए, और इसी पॉड के अंदर आप एक कंटेनर बनाइए जिसपे आप MySQL रखिए। ये लीजिए, इस पे आप वर्डप्रेस रखिए और इस पे आप MySQL रखिए, परफेक्ट, और दोनों को आपस में बाइंड कर दीजिए एज अ लोकल होस्ट। एक चीज और बता देता हूं पॉड के बारे में, पॉड को हम लोग इटसेल्फ एक लोकल होस्ट की तरह ट्रीट करते हैं, पॉड को हम लोग इटसेल्फ एक लोकल होस्ट समझ के चलते हैं। कैसे, मैं आपको समझाता हूं। अब देखिए, मान लीजिए आपके पास ये एक कंप्यूटर है, ठीक है ना, ये एक कंप्यूटर है। अब ये कंप्यूटर है, इसका एक इंटरफेस कार्ड है ETH0, इसकी एक IP है, मान लीजिए ये IP है, ठीक है। तो आप इस एक कंप्यूटर को क्या बोलते हैं, ये एक लोकल होस्ट है, यही बोलते हैं ना, राइट। अब आप इस कंप्यूटर के अंदर क्या करते हैं, इस कंप्यूटर के अंदर मान लीजिए आपने एक वेब चला लिया, एप्लीकेशन चला लिया और डेटाबेस चला लिया, तो आप तीनों को आपस में इसी आईपी से चला सकते हैं, है ना, लुकबैक आईपी से चल जाएगी ना। इसी तरीके से ये जो पॉड है इटसेल्फ एक लोकल होस्ट की तरह है, इस पॉड के अंदर पॉड की आईपी एक ही है, पॉड की आईपी एक ही है, लेकिन पॉड के अंदर दो कंटेनर है, एक वर्डप्रेस और एक MySQL। ये कंटेनर अपना अलग लाइब्रेरी यूज कर रहा है, ये अपना अलग लाइब्रेरी यूज कर रहा है, क्लियर। तो ऐसा करने से बेनिफिट क्या है, ऐसा करने से बेनिफिट क्या है कि पूरे पॉड के अंदर एक कंटेनर ये, कंटेनर ये, इस पॉड को एक ही आईपी मिली, मतलब आपने अपनी आईपी को वेस्ट नहीं किया। पहले वाले केस में इस पॉड को एक आईपी मिल गई, इस पॉड को एक आईपी मिल गई, दो आईपी आप दे दिए, लेकिन यहां पर देखो क्या, एक ही आईपी, इसी के अंदर वर्डप्रेस और इसी के अंदर MySQL। और एक बेनिफिट बता देता हूं, अगर कोई बंदा वर्डप्रेस से कनेक्ट करता है तो वर्डप्रेस से अगर डेटाबेस चाहिए तो डेटाबेस भी उसी एग्जिस्टिंग पॉड में रखा हुआ है, तो लेटेंसी भी लो मिलेगी, राइट, लेटेंसी भी क्या होगी आपको, लो मिल रही है, ये बेनिफिट है। और पॉड के ऊपर अगर आपने डिप्लॉयमेंट बनाया तो पॉड की रिडंडेंसी है ही है, पॉड के अंदर मान लीजिए कोई भी कंटेनर को कुछ होता है तो दोबारा से नया पॉड रिक्रिएट हो जाएगा सेम डेटा के साथ, क्लियर। तो इस तरीके से इंडस्ट्री के अंदर हम लोग पॉड के अंदर मल्टी कंटेनर की फंक्शनलिटी मिल रही है तो हम लोग उसे यूटिलाइज करते हैं, वेस्ट नहीं करते, राइट। लेकिन कभी कभी किसी सिनेरियो में आपको ऐसा भी मिलेगा कि नहीं भाई साहब, हमें एक पॉड के अंदर एक कंटेनर रखना है, उसमें वर्डप्रेस चलाना है, और दूसरे पॉड के अंदर MySQL रखना है, दूसरे पॉड के अंदर एक कंटेनर बनाना है, उसके अंदर MySQL चलाना है, हमें अलग अलग ही चलाना है। ऐसा कब करना पड़ता है, जब आप मोर देन सिक्योरिटी की बात करो, जब आप मोर देन सिक्योरिटी की बात करते हैं तब आप उस केस में ऐसा करेंगे कि एक पॉड के अंदर एक वर्डप्रेस चलाएंगे, दूसरे पॉड के अंदर MySQL चलाएंगे कंटेनर, राइट। लेकिन एक बेटर यूटिलाइजेशन के लिए आप चाहे तो एक पॉड के अंदर मल्टी कंटेनर फंक्शनलिटी को यूज करते हैं, मैंने आपको बता दिया, आईपी भी सेफ हो जाएगा और लेटेंसी का भी लो हो जाएगी आप, ठीक है। तो इसी तरीके से देखिए यूज किया जाता है। और एक चीज मैं आपको बता देता हूं, इस तरीके से देखिए पूरा का पूरा ऑटोमेशन आपका बन गया, पूरा का पूरा ऑटोमेशन, बाहर से बंदा इसको हिट मारा, ये इस नोड पे गया, इस नोड से इस पॉड पे चला गया, पॉड ने के अंदर एक कंटेनर, कंटेनर पे एप्लीकेशन चल रही है, राइट। अब कंटेनर पे भी लोड नहीं हो, कंटेनर पे जो डेटा आएगा वो डेटा कहां पे होगा, तो उसके लिए कंपनी क्या करती है, एक नेटवर्क वॉल्यूम ले लेती है, लो ये कंपनी का नेटवर्क वॉल्यूम है, मान लीजिए नेटवर्क स्टोरेज है, तो ये कंपनी का नेटवर्क स्टोरेज है, और कंपनी क्या करेगी, इस पॉड में इस नेटवर्क स्टोरेज को मैप कर लेगी, बाइंड कर लेगी, राइट। तो कोई भी डेटा जनरेट होता है वो इस स्टोरेज में आ जाएगा। अब कंपनी बोलती है यार इस पॉड पे अगर लोड बढ़े तो क्या करना है, तो कंपनी बोला कि पॉड की रेप्लिकेशन कर लो, तो अगर पॉड की रेप्लिकेशन आ गई, जैसे पॉड की रेप्लिकेशन आ गई, ठीक है ना, तो ये पॉड भी लाइव हो गए, अब ये स्टोरेज ये पॉड भी शेयर कर रहे होंगे, ये लीजिए, तो पूरा का पूरा लाइट वेट चल रहा है, जो डेटा आ भी रहा है वो भी बैकएंड में नेटवर्क स्टोरेज में आ रहा है। इस तरीके से पूरा का पूरा क्लस्टर सेटअप किया जाता है। और उम्मीद करता हूं कि पॉड की डेफिनेशन अब आपको बहुत हद तक क्लियर हो गई होगी। ठीक है दोस्तों, अब एक चीज और मैं आपको क्लियर कर देता हूं। देखिए क्या होता है कि एक
पॉड के अंदर, ठीक है ना, एक पॉड के अंदर आप नंबर ऑफ कंटेनर्स रख रहे हैं, ठीक है ना। अब कई बार कई लोग बोलते हैं कि ये एक पॉड के अंदर आप नंबर ऑफ कंटेनर क्यों रख रहे हैं, तो हम आंसर देते हैं कि भाई एक पॉड के अंदर हमने तीन कंटेनर इसलिए रखा क्योंकि एक कंटेनर में हम वेब चलाएंगे और एक कंटेनर में हम एप्लीकेशन चलाएंगे और एक कंटेनर में हम डेटाबेस चलाएंगे, राइट। लेकिन अब कई लोग आपके सामने ऐसे भी स्टेटमेंट रखेंगे कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हैं, मैं एक कस्टम इमेज बनाऊं, एक डॉकर फाइल लिखूं, एक फाइल डॉकर फाइल लिखूं, उस डॉकर फाइल में मैं तीन टास्क बता दूं, वेब एप्लीकेशन डेटाबेस, और उसको बिल्ड कर दूं तो एक कंप्लीट इमेज बन गए, और एक पॉड के अंदर एक ही कंटेनर बनाऊं और उस कंटेनर के अंदर मैं ये इमेज को डिप्लॉय कर दूं तो उसी कंटेनर के अंदर वेब भी चल रहा है, एप्लीकेशन भी चल रहा है, डेटाबेस भी चल रहा है। ऐसा भी तो हो सकता है ना, तो बिल्कुल हो सकता है। लेकिन अगर आप ऐसा यूज करते हैं तो फिर आप कंटेनर बेस वर्चुअलाइजेशन बोले तो माइक्रो सर्विसेज की फंक्शनैलिटी के अगेंस्ट चले गए, क्योंकि माइक्रो सर्विसेज में यह कहा जाता है कि एक एक सर्विस को अलग अलग कंटेनर पे रखना है, एक एक सर्विस, हर एक छोटी छोटी सर्विस की लाइब्रेरी अलग होगी। तो अगर आप ये तीनों एप्लीकेशन वेब ऐप डेटाबेस एक ही कंटेनर पे रख देंगे तो लाइब्रेरी शेयर हो रही है, अगर आप देखें तो इसीलिए आप कर तो सकते हैं लेकिन फिर आप माइक्रो सर्विस के अगेंस्ट जाके काम कर रहे हैं। तो इसीलिए अगर आपसे कोई ऐसा स्टेटमेंट बोलता है तो आप उसे ये समझा सकते हैं कि भाई इसीलिए हम लोग एक पॉड के अंदर नंबर ऑफ कंटेनर बनाते हैं कि इस वेब की लाइब्रेरी अलग हो, ऐप की लाइब्रेरी अलग हो और डेटाबेस की लाइब्रेरी अलग हो, लेकिन है तीनों एक ही पॉड के अंदर। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये पॉड आपको समझ में आ गया होगा। मोटा मोटी एक शब्द में बोले तो पॉड कलेक्शन ऑफ द कंटेनर, मोटा मोटी पॉड क्या है, कलेक्शन ऑफ द कंटेनर। इतनी डेफिनेशन जो मैंने अभी आपको दिया, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। और ये एक छोटा सा ओवरव्यू था, अभी हम लोग जब पॉड की लैब करेंगे तो सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, डिप्लॉयमेंट बनाएंगे तो क्लियर हो जाएगा, सर्विस बनाएंगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा, सर्विस के क्लस्टर आईपी के क्लस्टर आईपी देखेंगे, नोड पोर्ट देखेंगे, लोड बैलेंसर सारा हम प्रैक्टिकल के फॉर्मेट में देखेंगे। लेकिन आगे के वीडियो में ये पॉड को अंडरस्टैंडिंग कराना बहुत इंपॉर्टेंट था मेरे लिए आप लोगों को, क्योंकि अगर पॉड की डेफिनेशंस क्लियर नहीं है तो आगे बढ़ने से कोई फायदा नहीं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से हम लोग इस वीडियो को करते हैं यहीं पर स्टॉप, और अगले वीडियो में मिलेंगे हम लोग एक और कुबेरनेटिस क्लस्टर का एक और कंपोनेंट्स के साथ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, नेम स्पेस कॉन्सेप्ट के साथ। तो अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कुबेरनेटिस क्लस्टर में नेम स्पेस की इंपॉर्टेंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये, अगले वीडियो में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं क्योंकि काफी लंबा वीडियो हो जाएगा ये। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग नेम स्पेस के कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।